हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज़ माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी लोगों के लिए। अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो और आपका चैनल मोनेटाइज है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी अर्निंग से रिलेटेड। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो पूरा का पूरा US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म से रिलेटेड है। यहाँ पे दोस्तों US टैक्स का जो फॉर्म हम लोग ने फिल किया था, उस फॉर्म में दोस्तों एक इशू आ रहा है। बहुत से ऐसे YouTube क्रिएटर हैं जिनके पास Google AdSense का एक मेल आया है जिसमें उनको बताया गया है कि उनके US टैक्स में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे। और जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो कुछ यूट्यूब क्रिएटर को ही ध्यान देना है, बट जो सेकंड बात है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दोस्तों जो सबसे पहली बात है इम्पॉर्टेंट, वो US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म से रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत से ऐसे यूट्यूब क्रिएटर हैं जो इस टैक्स फॉर्म को सबमिट किए थे, तो उनके पास Google AdSense की तरफ से एक मेल आ रहा है उनके US टैक्स फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपने उस फॉर्म को करेक्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब क्रिएटर की तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुई है जिसके कारण जो उनका US टैक्स फॉर्म है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ करेक्ट नहीं है, जिसके कारण ये सारा मेल आ रहा है। तो अगर आपके पास भी एक ऐसा मेल आया है Google AdSense की तरफ से, तो इसको कैसे आपको करेक्ट करना है वो मैं आपको भी बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे कॉमन इशू हो रहा है उसके बारे में। यहाँ पे दोस्तों ये जो फॉर्म इन लोग का रिजेक्ट हो रहा है उसके पीछे बस एक ही रीज़न है, नेम मिसमैच का। बहुत से यूट्यूब क्रिएटर है जिनके पास जो मेल आया है उसमें सबसे टॉप पे ये हाईलाइट करके लिखा गया है कि नेम मिसमैच है। मतलब यहाँ पे लोग गलती क्या किए हैं, जो उनके गूगल एडसेंस पे नाम फिल है और जो उनके पैन कार्ड में नाम फिल है वो डिफर हो गया है, जिसके कारण उनका जो टैक्स फॉर्म है उसमें भी नाम डिफर हो गया है, इसीलिए उनका जो US टैक्स फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे दोस्तों बात बस इतनी सी है कि जितने भी यूट्यूब क्रिएटर हैं जो US टैक्स फॉर्म को सबमिट किए थे, वहाँ पे दोस्तों उनके Google AdSense पे क्या अकाउंट नेम है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जब वो US टैक्स फॉर्म भर रहे थे तो वो पैन कार्ड के थ्रू फॉर्म भरे होंगे, जिसके कारण दोस्तों हुआ क्या है कि Google AdSense पे कुछ और नाम है और US टैक्स के फॉर्म में कुछ और नाम फिल है। तो यहाँ पे ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है कि उनका नाम मिसमैच हुआ है। और ये जो नाम मिसमैच होने का जो रीज़न है वो एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोग अपने US टैक्स में फॉर्म में नाम जो भर दिए होंगे वो Google AdSense का देख के भर दिए होंगे और पैन कार्ड में अलग नाम होगा। मतलब टोटल ओवरऑल बात यही है कि उनका जो दोस्तों फॉर्म में नेम फिल है वो या तो पैन कार्ड से मैच किया है या तो एडसेंस से मैच किया है। तो ओवरऑल दोस्तों ये तीनों ही नाम एक होना चाहिए, मतलब जो आपके गूगल एडसेंस पे नाम होगा वही उसी नाम का आपको पैन कार्ड यूज़ करना है और उसी बंदे के नाम पे आपको वो फॉर्म भी फिल करना है। मतलब तीनों जगह आपका एक ही नाम होना चाहिए। जैसे सपोज़ अगर मैं अपने नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया हूँ तो उसी नाम से मुझे फॉर्म भी फिल करना है और उसी नाम के पैन कार्ड से मुझे अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी करना है। तो तीनों जगह दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट यूज़ होंगे वो एक ही बंदे के यूज़ होंगे। तो अगर आपने भी US टैक्स फॉर्म में अपने नाम को Google AdSense अकाउंट के नाम से अलग फिल कर दिया है तो उसको करेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों बहुत से लोग सोच रहे थे कि अब उनका जो फॉर्म है वो गलत हो गया है और अब आगे कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों। आप इसको बहुत ही ईजिली करेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। पहली चीज़ कि अगर आपके Google AdSense अकाउंट में नाम गलत है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, और Google AdSense अकाउंट में नाम और एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो एक दोस्तों वो बात हो गई कि Google AdSense में नाम कैसे चेंज करते हैं, और इसी के साथ साथ जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि US टैक्स फॉर्म को कैसे करेक्ट करेंगे और कैसे दोबारा सेंड करेंगे। तो वो भी दोस्तों बहुत ही ईजी है और अब वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को एडिट करना या उस फॉर्म को फिर से न्यू सेंड करना, तो उसके लिए आपको सिंपली पेमेंट वाले ऑप्शन पे आना है। और यहाँ पे आपको दोस्तों पेमेंट वाले ऑप्शन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, और जब आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो दोस्तों नीचे एक आपके पास ऑप्शन मिलता है
यूज़र का जो भी आप एडसेंस अकाउंट पे लिंक हुए हो, तो वहाँ पे आप सेटिंग में आप देख सकते हो, जब आप मैनेज सेटिंग करोगे तो ये पेमेंट प्रोफाइल है, और नीचे आने पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये US फॉर्म का पूरा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको सिंपली पेंसिल पे एडिट करना है, नीचे मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप दोबारा इस पेज में आ जाओगे, और इस पेज पे आपको ऊपर ही सबमिट न्यू फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस सबमिट न्यू फॉर्म पे क्लिक करके आप नया फॉर्म फिर से सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन में फुल ट्यूटोरियल दिखा दिया कि कैसे आपको US टैक्स फॉर्म को करेक्ट करके दोबारा सेंड करना है। और दोस्तों ये जो आपको सेंड करना है ये 31 अक्टूबर के पहले पहले ही सेंड करना है, वरना आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों अब बात कर लेते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग की, और वो है दोस्तों 2-स्टेप वेरिफिकेशन को लेके। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि बहुत बार मैंने अपडेट में बता दिया है कि ये जो 2-स्टेप वेरिफिकेशन है अब ये भी बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो गया है आपके YouTube के मोनेटाइजेशन फीचर को लेके। अगर आप भी चाहते हो अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करवाना, तो आपका जो भी ईमेल आईडी है जिसके थ्रू आपने YouTube चैनल ओपन किया है, उस ईमेल आईडी का 2-स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल होना चाहिए। और अगर दोस्तों ये एनेबल नहीं होगा तो ना ही आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर पाओगे, और ना ही आप अपने किसी भी वीडियो को अपलोड कर पाओगे, और ना ही आप YT Studio एप्लीकेशन का यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों ये जो 2-स्टेप वेरिफिकेशन है ये हमारी सेफ्टी के लिए है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें, और सबसे पहले अपने YouTube आईडी का जो भी आपकी ईमेल आईडी है उसमें आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन को एनेबल करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा। वीडियो इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एंडिशनल वीडियोज़ अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।